हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं उनको हम डिटेल में कवर करवाते हैं, और मतलब अगर हम बोले तो एक तरीके से हम पूरे के पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो एक ही वीडियो में कवर करवा लेते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, और क्लास हमारी चल रही है 8th क्लास, और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और कृषि। और जो हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको हम लोग क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए मेहनत कर दी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको इन नोट्स में मिल जाते हैं, और आपकी जब रिवीजन आप करने बैठते हैं तो रिवीजन भी आपकी बहुत ही कम समय में हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सीरीज़ है, और इस चैप्टर के बाद जो भी इसके एमसीक्यूज़ होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी के बनेंगे, उसकी वीडियो भी हम लोग जल्दी ही अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, ये ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल सब्जेक्ट चल रहा है। हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 कम्प्लीट करा दी है, मतलब कि उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोगों ने कम्प्लीट करा दिया है, और उनसे जो भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर करवा चुके हैं। तो आप जाके हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का चैप्टर है एग्रीकल्चर और कृषि। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो हम आज पढ़ेंगे कि कृषि और एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। कितने जो हमारा जो एग्रीकल्चर है या फिर जो कृषि है उसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हमारे कृषि को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कृषि तंत्र मतलब कि फार्म सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप की जो कृषि मतलब कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये क्या होती है, ये सारा का सारा पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और क्या होता है। तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, ज़रूर देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और पूरा कंसेप्ट क्लियरेंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो क्या है। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो एक आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड से मतलब कि लैटिन भाषा से लिया हुआ वर्ड है। तो अगर हम इसको बोलें तो इसको हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एग्री मतलब हो गया सॉइल मतलब कि मृदा, और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन मतलब कि कृषि। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि सॉइल पर, मृदा पर होने वाली कृषि को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर का अगर मीनिंग देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट्स टू फिनिश गुड। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब भी हम कोई पौधा उगाते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने गेहूं उगाया, ठीक है। गेहूं उगाने के बाद खेतों में गेहूं उगाया, फिर गेहूं को हमने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया बिस्किट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश गुड मतलब कि परिष्कृत उत्पाद हमारा हो गया। तो इसको, इस प्लांट को फिनिश गुड तक पहुंचने में इसमें तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगी हैं, मतलब कि तीन आर्थिक क्रियाओं से होकर ये गुजरा है, ठीक है। कौन कौन सी, एक होगी प्राइमरी एक्टिविटी, फिर है सेकेंडरी एक्टिविटी, और फिर है टर्शरी एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि जब खेतों में कोई भी हम लोग प्लांट उगाते हैं तो सीधा तो उसका बिस्किट बन नहीं जाएगा, गेहूं उगाए बिस्किट नहीं बनेगा सीधा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि उन खेतों में उगाने के बाद उसको पहले आटा बनाया जाएगा, ठीक है। आटा बनाने के बाद उसमें उसको गूंदा जाएगा, फिर उसको बिस्किट की शेप दी जाएगी। तो सारा का सारा काम खेतों में नहीं होगा, कुछ काम जाके फैक्ट्री में होगा, ठीक है, फैक्ट्री में होगा, बेकरी में होगा ये काम, फिर जाके इसका ये बिस्किट में बनेगा, फिर उसके बाद यही बिस्किट जाके मार्केट में बेका जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका होता है तीन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कि प्राथमिक क्रियाएँ, सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि द्वितीयक क्रियाएँ, टर्शियरी एक्टिविटी मतलब कि तृतीयक क्रियाएँ। अब हम पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब हो गया एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कि प्राथमिक क्रियाएं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और
उसका निष्कर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हुई, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधनों होता है उनका एक्सट्रैक्शन करना और साथ में उन्हीं का प्रोडक्शन करना, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया और गैदरिंग हो गया। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया वो संसाधन जो कि कुदरती रूप से, ठीक है, जो कि कुदरती रूप से हमें पहले से ही प्रेजेंट है हमारी धरती पर, हम लोगों ने, मानव ने उसमें कुछ नहीं करा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे हमने बोला कि जो एग्रीकल्चर है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये कैसे है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है वो सॉइल पे, मिट्टी पे करा जाता है, तो वो जो सॉइल और मिट्टी है वो क्या हुई, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कुदरती रूप से पाई जाती है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, एग्रीकल्चर को एक प्राइमरी एक्टिविटी बोल दिया, कि जो भी चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर करी जा रही है, उसी के प्राकृतिक संसाधनों पे करी जा रही है और उस पर उत्पादन भी करा जा रहा है, उसका एक्सट्रैक्शन भी करा जा रहा है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। ऐसे ही फिशिंग होती है। अब देखो जो फिशिंग है, मछलियां हैं, वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी तटीय, मतलब कि कोस्टल एरियाज़ पर मिलेंगी, तो वो भी कुदरती रूप से ही मिल जाती हैं, ठीक है, नदियों में मिलती हैं, ठीक है, पौंड में मिल जाती हैं, तालाबों में मिल जाती हैं, वो नेचुरल तरीके से होती हैं, तो उनको हम लोग का पालना, ये सब कुछ करना, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा का सारा, इसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो हम लोगों ने चैप्टर एक क्लास 8 के पहले चैप्टर में आपको समझा रखा है। आप जाके वहाँ से इस जो कंसेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो हम कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटी। अब ऐसे ही एक होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी का मतलब हो गया द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है, कि प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रसंस्करण, मतलब कि जो प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि हो गया बैंकिंग हो गया, ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया। अब जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी से क्या लिया, हम लोगों को मिल गया गेहूँ, प्राइम एक्टिविटी से क्या मिला, वीट मिल गया। अब इस वीट को ही सेकेंडरी एक्टिविटी में कैसे करेंगे, कि वहाँ पर बेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब जो होता है ना आपका बेकरी जो होती है, बेकरी में ले जाके उस गेहूं के आटे को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बिस्किट में, तो ये हो गई आपकी, हो गई बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने आटे को हम लोगों ने ब्रेड बना ली, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, कि उस नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त हुआ, चाहे गेहूँ, चावल, अचार, आम वगैरह जो भी वाला, उसका हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, अचार में कन्वर्ट कर दिया, आम को जैम बना लिया, या फिर गेहूँ की रोटी, गेहूँ का हम लोगों ने क्या बना लिया, गेहूँ का हमने ब्रेड बना ली, या फिर हम लोगों ने गेहूँ का बिस्किट बना लिया, तो उसको हमने बोला सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंड एक्टिविटी का मतलब क्या, जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग करा है हम लोगों ने, फैक्ट्रियों में ले जाके उसको कन्वर्ट करा है, ठीक है। अब है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी का मतलब हो गया तृतीयक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों का सहयोग देती है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे हो गया, सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। अब ये कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या था, कि सबसे पहले हम लोगों ने गेहूँ को उगा दिया, ठीक है, तो गेहूँ जहाँ पर उगा खेतों में, तो वो हमारा हो गया प्राइमरी, मतलब कि प्राथमिक एक्टिविटी सेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने उसी गेहूँ को ब्रेड या फिर बिस्किट में चेंज करा, अब वो हुआ हमारा सेकेंडरी, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। अब ये जो ब्रेड है, बिस्किट है, वो केवल फैक्ट्री में तो रहेगा ही नहीं, अब उसको हमारे तक भी तो कोई ना कोई चीज़ पहुंचाएगी, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ पहुंचाएगी, जैसे कि ट्रक के द्वारा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्विस हो गया, तो वो हमारा होता है टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब कि बिस्कुट को, ब्रेड को हमारी मार्केट, दुकानों तक जिसने पहुंचाया, उसने एक सर्विस प्रोवाइड करी, ट्रांसपोर्ट के द्वारा करवाया, या फिर ट्रेड हो गया, तो वो सारा का सारा किस में आता है, वो आता है आपका टर्शरी एक्टिविटी। का मतलब क्या है, कि सेवाएँ प्रदान करना, ठीक है, सेवा प्रदान करना, वो हो गया हमारा टर्शरी एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आप देखिए जिन बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी है, जैसे कि हमारी पहली सीरीज़ है GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग डेली करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट 8 MCQs लेकर आते हैं। क्यों,
क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि देखिए खबरें या फिर करंट अफेयर तो रोज़ के आते हैं, तो ये एक ज़रिया होता है कि आपको ये बताने का कि जो खबरें आई हैं उनसे किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो रेगुलरली हम लोग विद डेट डाल डाल के बताते हैं कि आपके लिए इन खबरों में ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि क्वेश्चन में हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर है हमारी पॉलिटी MCQs की सीरीज़, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने 10-10 MCQs को डिस्कस करा है और आपके इम्पॉर्टेंट फंडे हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो है पूरे के पूरे क्लियर करे हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे एग्ज़ाम में आती है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तीसरी सीरीज़ है NCERT की। आप देखिए NCERT में हम लोगों ने दो सीरीज़ चला रखी हैं। एक है हमारी NCERT डिटेल एनालिसिस, जो कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी इसके इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उसके लिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग वीडियो लेकर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो NCERT की सीरीज़ है या फिर जितनी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चैनल्स हैं जो कि आपको NCERT पढ़ाने के साथ में उसमें MCQs कराने के लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर है हमारी ट्रिक में हम लोग आपके लिए 5 MCQs कराते हैं, इतने इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं और एक अनोखे तरीके से कराते हैं, क्योंकि MCQs से करे हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही ही होते हैं। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ रहते हैं उनको वन लाइनर में कंप्लीट करा देते हैं। हमारी मई की करंट अफेयर आ चुकी है मैगजीन, जिसको कि हमने केवल 60 वन लाइनर में कंप्लीट कराया, आप जाके देख सकते हैं। फिर है मेंस टॉपिक्स की, इसमें जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी रेगुलरली हम लोग उनके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर हमारी GS शॉर्ट वीडियोस हैं, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाते हैं फिर उनको आपको एक अनोखे तरीके से इम्पॉर्टेंट और आम जिंदगी में एग्जांपल ले लेके आपको समझा देते हैं। और हमारे चैनल की कम्युनिटी में आपको रेगुलरली क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में जाएं जब ना घबराएं। ये जितनी भी सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हिंदी के मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, उनको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने चैप्टर को समझा थोड़ा सा कि कृषि क्या है, कौन कौन से उसमें एग्रीकल्चर, कौन कौन सी प्राथमिक क्रियाएँ हैं, सेकेंडरी क्रियाएँ और टर्शरी सेक्टर है वो समझ लें। अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये है, जो एग्रीकल्चर है आपका, जो कृषि है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब कि एक प्राथमिक क्रिया है। अब देखो प्राथमिक क्रिया क्या थी, प्राथमिक क्रियाएँ या फिर प्राइमरी एक्टिविटी वो थी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से ही हम लोग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। तो एग्रीकल्चर भी हम कहाँ करते हैं, सॉइल पे कर रहे हैं, और कोई भी एग्रीकल्चर कृषि करें तो उसमें सॉइल होनी चाहिए, उसमें उस जगह की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, तो वहाँ का क्लाइमेट भी तो एक नेचुरल रिसोर्सेज ही हो गया, ठीक है ना, किस टाइप का क्लाइमेट है, साथ में उसकी टोपोग्राफी क्या है, क्या वो हम खड़े पहाड़ पर कर रहे हैं, प्लेन एरिया में कर रहे हैं। तो ये जितनी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेचुरली मिली है, क्योंकि किसी भी जगह की जलवायु हम खुद नहीं बनाते हैं, वो कुदरती मिलती है, ना कि हम सॉइल बनाते हैं और ना ही हम वहाँ की टोपोग्राफी को बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर हमेशा प्राथमिक क्रिया और एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही होती है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब कि फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, साथ में पशुधन शामिल है। अब देखो कि एग्रीकल्चर जो होता है उसके अंदर हम लोग फूल, फल, सब्जी ये सब कुछ उगाते हैं, साथ में जो पशु, जो एनिमल को जो पालना होता है ना, वो भी एग्रीकल्चर में आता है। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल क्या होता है कि सब्जियाँ, फूलों, फलों को उगाना, उनको ये नहीं पता होता कि जो हम एनिमल पालते हैं, जो हम पशु पालते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है।
ये हो गया। अब अगर हम पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें से 50% जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही लगी हुई है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो 2/3 जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किस में लगी है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ये निर्भर है, हमारी कृषि पर निर्भर है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद करना है कि पूरे विश्व की 50% मतलब कि आधी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 2/3, ठीक है, 2/3 जो जनसंख्या है, 2/3 जो जनसंख्या है वो किस में लगी है, कृषि में लगी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है हमारा, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि कृषि को या फिर एग्रीकल्चर को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो इसके 3 कारक हैं, एक है सॉइल, ठीक है, मतलब कि मृदा, दूसरा आपका होता है उसकी टोपोग्राफी मतलब कि स्थल आकृति, और तीसरा है आपका क्लाइमेट मतलब कि जलवायु। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो भी किसी भी रीजन में ये बताते हैं कि क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा या नहीं होगा या फिर कम होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर किसी भी एरिया की जो सॉइल है या फिर जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई भी जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल मतलब कि जो उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पर कृषि करना, एग्रीकल्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब मिट्टी फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है मतलब उपजाऊ नहीं है, तो उसने उस एरिया की जो कृषि है उसको इफ़ेक्ट करा। दूसरा अगर हम बात करें टोपोग्राफी की मतलब स्थलाकृति की अगर हम बात करें, तो हम मानते हैं दो रीजन हैं, दो क्षेत्र हैं, एक रीजन है जो कि समतल भूमि पर है, प्लेन एरियाज है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कृषि है, अगर हम जहाँ पे जो कृषि होगी वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरिया है जहाँ पर कि हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा स्लोप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर कृषि करना मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों में मुश्किल होती है, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का हमें यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर कृषि करना संभव हो पाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा टोपोग्राफी का हुआ, जिसने कि कृषि को इन्फ्लुएंस करा, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करा। तीसरा हो गया हमारा क्लाइमेट मतलब कि जलवायु। अब जलवायु भी कृषि में, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, बहुत अच्छा रोल निभाती है। अब मानिए कोई एक जगह है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, रेतीला है, रेतीला है, जहाँ पर कि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पे पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चर या फिर कृषि करी जा सके, क्योंकि जब वहाँ पर सूखा ही पड़ा हुआ है और बारिश होती ही नहीं है, तो पेड़ पौधे उगेंगे कैसे, तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। और दूसरी जगह देखें कि जहाँ पर आराम से बारिश भी होती है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ठीक है, बट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा एक एग्रीकल्चर के लिए, तो उस एरिया में अच्छी खेती होगी। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं मतलब कि प्रभावित करते हैं। तो पहला हो गया सॉइल, जिसको क्या आपको मैंने बता दिया कि फर्टाइल और एरेबल लैंड की उपजाऊ भूमि और कृषिगत भूमि होती है, तो ये आपको हमने बता दिया। अगर सॉइल अच्छी है, बहुत अच्छी मृदा है, उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ पे कृषि भी बहुत अच्छी होगी। फिर सेकंड है हमारा फेवरेबल टोपोग्राफी, ये वही है जो आपको मैंने बताया कि अनुकूल स्थलाकृति की, वही है कि अगर कोई भी पहाड़ों जैसी जगह है तो वहाँ पर जो खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें टेरेसेस बनाने पड़ेंगे उसको खेती करने के लिए, या फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन एरियाज़ होंगे तो वहाँ पर ईजी तरीके से हम लोग कृषि कर सकते हैं। फिर है जलवायु मतलब कि क्लाइमेट, एक अनुकूल क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए कृषि को करने के लिए। किसी भी अगर हम बोलें खराब जलवायु में बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ पर कृषि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, कि भिन्न प्रकार के कल्चर होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, पिसीकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, हॉर्टीकल्चर हो गया। तो ये हम 5 तरीके के हम लोगों ने कल्चर सुने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पहला है हमारा
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कृषि। अब ये एक साइंस है और एक आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, कि मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, साथ में पशुपालन भी करना। अब देखिए एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट है कि हम फसलों को उगाते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। तो दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि फसलों को उगा रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स को उगा रहे हैं और साथ में हम लोग पशुपालन भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर, इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम खेती भी कहते हैं। फिर है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है कि रेशम का उत्पादन, कि जब रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम के कीड़ों से होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से होता है, और ये एक तरीके की आपका कमर्शियल रियरिंग है, मतलब कि वाणिज्यिक पालन जो सेरीकल्चर होता है। तो शॉर्ट में अगर हम ये बोलें कि सेरीकल्चर का मतलब क्या है, सेरीकल्चर में हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं, सिल्क वॉर्म मतलब कि रेशम के कीड़ों को पालते हैं और उनसे सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अब सिल्क को प्रोड्यूस करके फिर क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो बनाते हैं, जैसे कि साड़ियाँ, सूट, चुनियाँ, ऐसे बहुत से और भी चीज़ें बनती हैं सिल्क से। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या है कि रेशम का उत्पादन। फिर है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या है कि यहाँ पर विशेष रूप से निर्मित तालाबों में, ठीक है, तालाब हो गए, पोखर हो गए, उसके अंदर मछलियों को पाला जाता है। अब ये मछलियाँ जो हैं उनको पाल के फिर मार्केट में बेचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर, कि मछली पालन, मछलियों को पालना और उनको मार्केट में बेचना, वो हो गया हमारा पिसीकल्चर, मतलब कि मत्स्य पालन। फिर है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों की खेती, मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि अंगूरों के बाग होते हैं, अब उन अंगूरों के बागों में अंगूरों की खेती करना, ठीक है, अंगूरों की खेती करना, अंगूरों को उगाना, वो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, विटीकल्चर हो गया। अब उसी अंगूर को क्या करेंगे, किसान ने अंगूर उगा दिया, अब इस किसान इस अंगूर को फैक्ट्री में बेच देगा, अब उसके बाद वो फैक्ट्री वाले इस अंगूर को चेंज कर देंगे, या तो जूस में चेंज कर देंगे, ठीक है, शैंपेन में चेंज कर देंगे, जैम में चेंज कर देंगे इन अंगूरों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंगूरों की खेती, मतलब कि विटीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का अगर हम बोलें उद्यान की खेती, यहाँ पर क्या होता है हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल मतलब कि सब्जियों का उगाना, फलों का उगाना, ये सभी तीनों चीज़ें आती हैं। और किस लिए उगाना, एक वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना और फ्रूट्स का, मतलब कि फलों का उगाना, ये सारा हमारा हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कभी भी अनाज को नहीं उगाया जाता, यहाँ पर क्या उगाते हैं, सब्जियाँ, फूल और फल, ये हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर, मतलब कि उद्यान खेती। अब ये देखिए, ये सिंपल है कि यहाँ पर एग्री, सैरी, पिसी, विटी और हॉर्टी, इन सब के हमने क्या मिला दिया, कल्चर। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर, सैरीकल्चर, पिसी कल्चर, विटी कल्चर और हॉर्टी कल्चर। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि फार्म सिस्टम, मतलब कि जो फार्म कृषि तंत्र क्या है। अब कृषि तंत्र क्या है, कृषि तंत्र का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कृषि या फिर खेती, ठीक है, कृषि हो, एग्रीकल्चर हो या फिर फार्मिंग को, हम लोग एक सिस्टम, एक तंत्र के से भी देख उसको मान सकते हैं कि एक तरीके का ये सिस्टम है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टम में क्या है, पहले हम इनपुट आता है, फिर प्रोसेसेस, फिर आउटपुट। अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक राम है, ठीक है, एक इंसान राम है, उसके पास एक बड़ी सी भूमि का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब उसमें वो क्या करेगा कि उसने सोचा है कि मैं इसमें क्या करता हूँ, खेती कर लेता हूँ। तो खेती करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले देखो, ज़मीन का टुकड़ा तो उसके पास है ही, सबसे पहले वो निवेश करेगा। क्या निवेश करेगा कि वो जाके एक मशीन लेकर आएगा। अब वो मशीन कुछ भी हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकती है और दूसरी मशीन, और कोई भी मशीन हो सकती है। तो एक ट्रैक्टर लेकर आएगा, ट्रैक्टर के बाद क्या करेगा, वो वहाँ पे बीज लेकर आएगा, ठीक है, मतलब कि सीड लेकर आए, क्योंकि सीड नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी। उसके बाद वो वहाँ पे रसायन मतलब कि केमिकल्स भी लेकर आएगा। अब इन सभी चीज़ों में वो पैसा डालेगा, ट्रैक्टर लेकर आया पैसों का, वहाँ पे बीज लेकर आया और फिर रसायन जो कि जो उसको वहाँ पर छिड़काव करना है उनका। तो ये हो गया हमारा इनपुट कि यहाँ पर हम लोगों ने, इस राम ने, ये जो राम है, इसने यहाँ पर इसमें, यहाँ पर इसने पैसा निवेश कर दिया। उसके बाद
अब इसको यूज़ भी तो करेगा, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं करेगा तो उसका पैसा डालने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब इन चीज़ों का वो यूज़ करेगा। अब यूज़ क्या करेगा कि अब इस जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर से इस खेत में वो जुताई करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, इस खेत में जुताई करेगा, ठीक है। जुताई करने के बाद मानो कि उसने इस पूरे के पूरे खेत में जुताई कर डाली। अब जुताई के बाद क्या करेगा, यहाँ पर जो बीज लेकर आया है वो बीज यहाँ पर डाल देगा, उनकी बुआई कर देगा। बीज की उसने क्या कर दी, बुआई कर दी। उसके बाद बीज की बुआई कर दी थोड़े, फिर उसने क्या करा, जो केमिकल जो लेकर आया था उसका स्प्रे कर दिया, उस केमिकल्स को स्प्रे कर दिया, जिससे कि यहाँ पर कोई भी कीड़ा ना लगे और जो फसल है वो अच्छे से उग पाए। तो उसको हमने क्या बोला, प्रक्रम बोला, प्रोसेस बोल दिया। अब इन सभी चीज़ों के होने के बाद इस जो खेत में बड़ी बड़ी फसलें आ जाएंगी, ये खेत जो है पूरा का पूरा फसलों से भर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट, मतलब कि निर्गत, कि उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला फसल। तो पहले स्टार्टिंग क्या करा, हम लोगों ने पैसा लगाया, अब उस पैसे में हम मशीन लेकर आए, बीज लेकर आए, केमिकल्स लेकर आए, तो उन सभी को यूज़ करा, यूज़ करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें फसल मिल गई। तो इस तरीके को हमने क्या बोला, फार्म सिस्टम या फिर कृषि तंत्र बोला। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, इसमें आता है फिजिकल इनपुट, मतलब कि भौतिक निवेश। यहाँ पे हमने निवेश तो पढ़ा था, ठीक है, निवेश में हमने क्या पढ़ा, मशीन लेकर आए, सीड लेकर आए और केमिकल लेकर आ गए। अब हम पढ़ेंगे भौतिक निवेश। अभी देखिए, भौतिक निवेश वो निवेश है जो कि कुदरती रूप से हमें मिलता है, ठीक है, जो हमें पहले से ही प्रेजेंट मिलता है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक खेत है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने खेत देखा, तो वहाँ पर सूरज कितना ज़्यादा निकलता है, कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है या फिर निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी फसल को उगने के लिए, ठीक है, किसी भी फसल को या फिर क्रॉप को उगने के लिए सूरज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ग्रोथ उनकी होती है उनका, ठीक है, तो ग्रो होते हैं और वो फसल बन जाती है। तो सनशाइन, मतलब कि सूर्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ में वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, कि वर्षा ज़्यादा है अधिक है, क्योंकि उन फसलों को बड़ा होने के लिए भी तो हमें वर्षा की ज़रूरत होगी, तभी तो वो पानी लेके आगे बढ़ेंगी। फिर है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए फसल को उगने के लिए। फिर है मृदा, कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस टाइप की है, ठीक है, और फिर है स्लोप, कि जो वहाँ पर जो ढाल है कहीं वो एकदम से जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप मतलब कि एक हल्का फुल्का स्लोप है जिसमें कि अच्छे से खेती हो सकती है, या फिर एकदम स्टीप स्लोप है, एकदम तीव्र ढाल है, तो वहाँ पर खेती होना मुश्किल हो गया। तो ये हो गया भौतिक निवेश, मतलब कि एग्रीकल्चर करने के लिए, ये सभी की सभी कृषि करने के लिए ये सारे के सारे जो भी इनपुट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट प्ले रोल, हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर है ह्यूमन इनपुट, मतलब कि मानवीय निवेश। मानवीय निवेश में क्या होता है कि यहाँ पर ये बात बोली है कि यहाँ पर जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो क्या निवेश करता है, वो करता है स्टोरेज की, भंडारण की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हम लोगों ने खेतों में से सामान तो उगा लिया, अब उसको सामान को रखने के लिए एक भंडारण चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए, ठीक है, स्टोरेज चाहिए जब तक कि वो सामान मार्केट में नहीं जा रहा, ठीक है। मार्केट में जाने से पहले किसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तो उस सामान को, उस बीज गेहूं को, चावल को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगा ही ना, तो उसमें भी ह्यूमन इनपुट क्या आ गया, स्टोरेज आ गया। फिर हमारा हो गया लेबर। अब लेबर मतलब कि श्रम। अब देखो, इस खेत में काम करने के लिए लेबर भी चाहिए, कि खुद ब खुद तो खेत ऐसा हो नहीं जाएगा कि इसमें ट्रैक्टर खुद लगा दिया, बीज डाल दिए या फिर खेतों को काट लिया, वो सभी के लिए हमें लेबर चाहिए, तो लेबर भी हमें ज़रूरत होती है। मशीनरी, वही वाली बात हो गई, कौन सी मशीनरी की बात हो गई, कि हम लोगों ने यहाँ पर मशीन चला के, ट्रैक्टर यूज़ करके या फिर बाकी मशीनों को यूज़ करके खेतों को आगे उगाया। फिर है रसायन, की रसायन मतलब ऐसे केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, जिनको कि हम लोगों ने किसी भी पेड़ पर कोई भी कीड़ा ना लगे उसकी वजह के लिए, उसके बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रसायन यूज़ करा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इनपुट प्रोसेस आउटपुट पढ़ा, फिजिकल इनपुट पढ़ा मतलब कि भौतिक निवेश पढ़ा, और मानवीय निवेश मतलब कि ह्यूमन इनपुट पढ़ लिया, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, कि कृषि के प्रकार। अब देखिए कि कृषि एक ही प्रकार की नहीं होती है, कृषि के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब ये जो कृषि के जो प्रकार हैं वो
दो मेन टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब वो हम डिवाइड करेंगे उसको किस पे बेस होकर डिवाइड करेंगे, वहाँ पर हमें देखेंगे कि उस एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, मतलब कि भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस मतलब कि उत्पाद की मांग क्या है, लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कि क्या वहाँ पर जो लेबर है और टेक्नोलॉजी किस टाइप की यूज़ करी जा रही है, कौन से स्तर की यूज़ करी जा रही है, उसको हम देखेंगे। तो पहला भौगोलिक दिशाएं मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस उत्पाद की मांग, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी श्रम और प्रौद्योगिकी, इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोग कृषि को दो मेन टाइप में, दो मुख्य प्रकारों में डिवाइड मतलब कि वर्गीकृत करते हैं। तो वो कौन कौन सी है, वो एक आपकी आती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि निर्वाह खेती, और दूसरी है आपकी कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि वाणिज्य खेती। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि वो वाली खेती जो कि आप जो ऐसी खेती जिसमें कि जो भी फसल उगाई जाती है वो मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है आपकी निर्वाह खेती जो है उसको भी हम लोगों ने दो में डिवाइड कर रखा है। एक है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि गहन निर्वाह खेती, और दूसरी है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और एक है आपका प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। और जो आपकी वाणिज्य कृषि है मतलब कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है, उसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि निर्वाह खेती की, दो चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। निर्वाह खेती देखो वही चीज़ आपको मैंने बताया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस गहन निर्वाह खेती, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मतलब कि आदिम निर्वाह खेती। अब इस प्रिमिटिव को भी हम लोगों ने दो में डिवाइड कर रखा है, एक है शिफ्टिंग मतलब कि स्थानांतरित कृषि, और फिर है नोमैडिक हर्डिंग मतलब कि चलवासी पशुचारण। और जो आपकी कमर्शियल फार्मिंग है वो डिवाइडेड है, उसको हमने वर्गीकृत करा है मिक्स फार्मिंग मतलब कि मिश्रित कृषि, और प्लांटेशन मतलब कि रोपड़ कृषि में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि निर्वाह खेती से। निर्वाह खेती वो खेती होती है जो कृषक जो है, जहाँ पर कि जो किसान जो है वो केवल उतना ही उगाता है, उतना सामान या उतनी क्रॉप को उगाता है जितने कि उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, ठीक है। मतलब इतना ही उगाएगा कि उगा लिया खा लिया कि ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कि उसको बेचने का कोई मतलब नहीं होता, वो कहता है कि नहीं बस मैं इतना ही उगा लूँ कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, तो उसको हमने बोला सब्सिस्टेंस मतलब कि निर्वाह खेती। अब देखिए कि जब खेती इतने छोटे स्तर पर हो रही है कि कृषि जो किसान है उसके परिवार का ही पेट भर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो होगी, जो प्रौद्योगिकी होगी, वो भी लो लेवल की यूज़ करी जाएगी। क्योंकि अगर ये हाई लेवल की यूज़ कर रहा होता, ये जो किसान का जो परिवार है, अगर ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई लेवल की यूज़ कर रहा होता तो उसका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा होता, तो वो निर्वाह खेती नहीं बचती और उस खेती के लिए मार्केट में उसका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में बेचता, ठीक है। फिर है इसमें हाउस होल्ड लेबर, कि ऐसी खेती में पारिवारिक श्रम होता है, कि इसमें जो किसान के जो परिवार के लोग हैं इस खेती में लगे होते हैं, ठीक है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो सारे के सारे इस खेती में लगे होते हैं, हेल्प करते हैं। फिर है अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है वो कम ही होता है, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, कि सबसे पहले क्या है, केवल उतना ही उगाओगे जितना कि एक परिवार का पेट भर सके। दूसरा यहाँ पर लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है। तीसरा यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी लेबर बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं खेतों में। चौथा यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कम हो रहा है। ये हो गया हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसको भी दो में हम लोगों ने वर्गीकृत करा था, दो टाइप में। तो पहली टाइप है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि गहन निर्वाह खेती, और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि आदिम निर्वाह खेती। अभी देखो ये वही खेती है मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कम है, ठीक है, दोनों ही खेती में प्रोडक्शन कम है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कम ही उगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं उगा रहा, लेकिन उसको भी हम लोगों ने डिवाइड करा है।
ठीक है। तो पहला है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कल्टिवेट्स विद सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। अब देखो सिंपल सी बात है कि छोटा सा लैंड है, ठीक है, छोटा सा लैंड है। अभी देखिए यहाँ पर छोटा प्लॉट ऑफ लैंड क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो पर पर्सन की अगर हम बात करें तो उसके उसके हाथ में बहुत ही छोटा सा खेत का एक टुकड़ा आएगा, ठीक है। छोटा मतलब कि पॉपुलेशन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो इतना छोटा सा टुकड़ा आ गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के साथ ये खेती करी जाती है, और लेकिन लेबर इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, अधिक श्रम लगता है। क्यों, क्योंकि जब जब यहाँ पर एक छोटा सा है बहुत, और टेक्नोलॉजी इसमें कम यूज़ करी जा रही है, जब टेक्नोलॉजी ही यूज़ नहीं करी जा रही है तो यहाँ पर जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा सा भूखंड है, टेक्नोलॉजी को हम बहुत मतलब कि बोलें तो सिंपल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साधारण औजारों को यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो लेबर लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस टाइप की जो कृषि होती है, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि में एक से मोर देन वन क्रॉप उगाई जाती हैं, मतलब कि एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और ये जो प्रीवेलेंट है ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, मतलब कि सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें तो हो गया जो मानसून रीजन ऑफ साउथ, ठीक है, मतलब अगर हम बोलें तो दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व मतलब कि साउथ ईस्ट और पूर्व एशिया मतलब कि ईस्ट एशिया, इन सभी रीजन्स में ये जो एरिया है हमारे वर्ल्ड के, विश्व के जो एरिया है, यहाँ पर आपको इस टाइप की कृषि होती हुई दिखेगी। और अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर जो चावल जो है, ठीक है, जो चावल है वो मुख्य रूप से उगाया जाता है, ठीक है, मेन जो रूप से उगाया जाता है चावल। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चावल ही उगाया जाता है, यहाँ पे चावल की जगह आपको वीट मिल जाएगा, मतलब कि गेहूँ मिल जाएगा, ठीक है, मक्का भी मिल जाएगा, दलहन मिल जाएगा, ठीक है, दलहन मतलब कि दालें, ये सारी की सारी, मेज़ हो गया, वीट हो गया, पल्सीज हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी, ऑयल सीड मतलब हो गया तिलहन, ठीक है, तिलहन, ये चीज़ें भी उगाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह, गहन निर्वाह खेती हो गया। अब हम पढ़ेंगे आदिम निर्वाह खेती, ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इसको अभी डिवाइड कर रखा है दो कृषि में, मतलब कि एक हो गया शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब कि स्थानांतरित कृषि, और सेकेंड है नोमैडिक हर्डिंग मतलब कि चलवासी पशु चारण। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि स्थानांतरित कृषि मतलब कि कृतन एवं दहन कृषि भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कृतन और दहन कृषि का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा करते हैं कि मानो ये पूरा का पूरा एरिया है, अब इस एरिया में पूरे के पूरे एरिया में ही जंगल हैं, ठीक है, पूरे के एरिया में क्या हुए, जंगल ही जंगल हो गए, ठीक है, पेड़ ही पेड़ हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को, छोटे से प्लॉट को काट लिया जाएगा, ठीक है, छोटे से प्लॉट को काट कर साफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी पेड़ थे, जो भी पेड़ थे उन सभी पेड़ों को काट लिया, और उन पेड़ों को काट के क्या करा, साफ़ कर लिया। अब साफ़ करने के बाद इन पेड़ों को जला देंगे। अब इन पेड़ों से जो भी राख आएगी, ठीक है, इन पेड़ों की जो भी राख आएगी उसको मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है, मिट्टी में मिला दी जाएगी और फिर इस मिट्टी के ऊपर खेती करी जाएगी, ठीक है, फिर इस मिट्टी के ऊपर खेती करी जाएगी, और खेती जब तक करी जाएगी जब तक कि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी। और ऐसी कृषि में मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके बाद जब इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसको फिर छोड़ के फिर दूसरा एरिया यूज़ कर लेंगे, वहाँ के पेड़ काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये हमारा हो गया। अब ये जो उगाया जाता है ये ऐसी जगहों पर उगाया जाता है जहाँ पर कि
बहुत जल्दी ही जैसे कि इस एरिया को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया। अब ऐसे एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती है जहाँ पर कि क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होती है, कि वहाँ की जो वनस्पति है वो जल्दी ही तीव्र तरीके से उग जाती है। ठीक है, तो उस एरिया में ही इस टाइप की जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, कृषि होती है वो करी जाती है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर कि इस तरीके की जो कृषि करी जाती है, तो यूजुअली अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये करी जाती है थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मतलब कि इंडिया में भी इस तरीके की जो कृषि है, कर्तन एवं दहन कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती है। ठीक है, अमेजन बेसिन के सघन वन में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, उत्तर पूर्व भारत के भागों में ये जो खेती है ये प्रचलित है। ठीक है, इसको दूसरा नाम हमने पढ़ ही लिया था कि दूसरा नाम इसका है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन एवं दहन दहन कृषि भी इसको बोला जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नोमैडिंग हर्डिंग, मतलब कि चलवासी पशु चारण, ये कौन सी खेती है, ये खेती नहीं है, यहाँ पे नोमैडिंग हर्डिंग है, मतलब कि पशु चारण हो गया। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो सेमी एरिड और एरिड रीजन में करी जाती है। अब मतलब कि शुष्क और शुष्क प्रदेशों में करी जाती है, किसके सहारा में, ठीक है, सेंट्रल एशिया मतलब कि मध्य एशिया में और हमारे भारत के भी कुछ भागों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान में, ये इस टाइप का जो चलवासी पशुचारण है ये करा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो पशु चारक जो होता है, जो हर्ड मैन होता है, वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो एरिड है और सेमी एरिड, मतलब शुष्क और अति शुष्क एरिया हो गया, अर्ध शुष्क एरिया हो गया, मतलब कि वहाँ पर ये सूखा सा एरिया है, कहीं ज़्यादा ठंड तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पशुओं को पालते हैं। अब इन पशुओं को पालते में क्लाइमेट तो हमेशा चेंज ही होता है, क्योंकि सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन मतलब हो गया मौसम चेंज होते रहते हैं। तो मौसम चेंज होने से क्या है कि पहले जब ये यहाँ पर मान ले इस एरिया में रह रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन थी, ठीक है, मतलब कि हरियाली थी, तो पशु को चरने के लिए यहाँ पर घास मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज हुआ, सीज़न चेंज होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो घास थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई, अब पशु को चरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये लोग जो क्या करेंगे, जो नोमैडिंग हर्डिंग वाले जो लोग हैं, नोमैडिंग हर्डिंग चलवासी पशुचारण करने वाले लोग हैं, ये अपने पशुओं के साथ किसी और जगह चले जाएंगे, ठीक है, इस जगह को छोड़ देंगे जहाँ पर कि थोड़ी बहुत घास उनको खाने को मिल जाए और वो लोग जीवित रह सकें, अपने पशुओं के साथ जीवित रह सकें, क्योंकि उनके लिए जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले कभी एक जगह यहाँ चले, कहीं और चले गए, मतलब अपने पशु के चारे की खोज में, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि अगर एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, बहुत ख़तरनाक वेदर हो गया, बहुत ठंड पड़ गई, तो उस एरिया को छोड़ के दूसरे उस एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर कि ठंड बहुत, मतलब उस कंपैरिजन में कम हो, ठीक है। एग्जांपल अगर हम बोले तो पहाड़ों की बात करें, तो मानो कि ये पहाड़ है हमारा, ठीक है, तो इस पहाड़ पर पहले ये जो लोग थे चलवासी पशु धारण करने वाले, वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इस एरिया में ठंड पड़ गई। अब इस एरिया में ठंड पड़ने के बाद क्या हुआ कि कोई भी वेजिटेशन नहीं हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से हट के यहाँ पर नीचे वाले इलाके में आ जाएंगे जहाँ पर कि उनको घास भी मिल जाएगी और थोड़ी ठंड भी कम लगेगी, तो ठीक है। और जब यहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ ठंड ऊपर ठंड पड़ी तो नीचे आ गए। तो इस तरीके से ये घूमते रहते हैं, कभी इस जगह, कभी दूसरी जगह, कहीं पर भी घूमते रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं चलवासी पशु चारण की एक प्रक्रिया हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, इस टाइप के जो नोमैडिक हर्डिंग वाले जो लोग होते हैं, वो अपने साथ शीप, कैमल, याक, क्योंकि भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। अब देखिए, ये रुक के तो एक जगह रुक नहीं रहे हैं, तो एक खेती नहीं करते, ठीक है, खेती भी करते हैं, ऐसा नहीं खेती नहीं करते, कुछ थोड़ी बहुत समय के लिए करते हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या होती है, उनके जो पशु होते हैं, एनिमल जो होते हैं, जो कि उनको मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि दूध भी उनको वहीं से मिलता है, मांस मिल गया, ऊन मिल गया, खाल मिल गया, वो सारे के सभी चीज़ों के लिए उनके लिए पशु ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया,
तो यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म करा सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, मतलब कि निर्वाह खेती को ख़त्म कर लिया। उसके जितने भी सब कैटेगराइजेशन था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग, मतलब कि वाणिज्य कृषि। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग से ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस इस तरीके की फार्मिंग, इस तरीके की कृषि जो कि मार्केट में बेचने के लिए बनाई गई है, उगाई गई है, तो उसको हम बोलेंगे वाणिज्य कृषि। मतलब कि क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर फॉर सेल इन द मार्केट, कि यहाँ पर जो फसल का उत्पादन करा है, साथ में जो पशुओं को जो पाला है उनको बाजार में बेचने के लिए पाला है, ठीक है, बाजार में बेचने के लिए पाला है। और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नोमैडिक हर्डिंग, मतलब कि चलवासी पशुधारण, वहाँ पर भी पशुओं को पाला जा रहा था लेकिन बाजार में बेचने के लिए नहीं पाला जा रहा था, वो अपने यूज़ के लिए उसको उनको पाल रहे थे। लेकिन कमर्शियल हर्डिंग, कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, पशुपालन कर रहे हैं बाजार में बेचने के लिए कर रहे हैं, चाहे उनका मीट बेचें, चाहे उनका मिल्क बेचें, चाहे उनकी खाल बेचें, ऊन बेचें, लेकिन उनको जो पाला जा रहा है वो एक कमर्शियल वाणिज्य रूप के लिए ही पाला जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बात हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा यह है अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड लार्ज। यहाँ पर देखो जब कोई भी कृषि या फार्मिंग कमर्शियल रूप के लिए करी जा रही है, वाणिज्य के लिए करी जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो पूंजी होगी वो भी ज़्यादा ही लगेगी। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में बेचने वाले हैं उन चीज़ों को, तो वहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। साथ में हम लोग ये चाहेंगे, फार्मर ये चाहेगा कि जो मेरा प्रोडक्शन हो, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा हो, साथ में उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, तो वो अलग अलग टाइप के जो भी टूल्स हैं उनको यूज़ करेगा, ठीक है, अलग टाइप के टूल्स को यूज़ करेगा, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेगा, साथ में अपने पशुओं के लिए दूध निकालने के लिए भी आपने देखा होगा अमेरिका में भी अलग मशीनों का यूज़ करा जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका दूध भी अच्छे से निकले, ठीक है, और उन जो उनके जो मवेशियाँ हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसीलिए ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है तो वहाँ पर जो पूंजी है, कैपिटल है, वो ज़्यादा यूज़ करी जाती है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट पर कैपिटल का यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ़ दी वर्क डन बाय द मशीन, अब इस टाइप की जो कृषि है यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों के द्वारा ही करा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो काम होता है बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, गाय भैंस एक नहीं होती हैं, सैकड़ों गाय भैंस हो रही होती हैं, तो उनका दूध निकालना, उनको सही करना, सही तरीके से रखना, उनकी सफाइयाँ करना, तो वो भी सारा एक इंसान मैनुअली नहीं कर सकता है, तो मशीनों का तो यूज़ होगा ही। और साथ में अगर आप लोग पशु पाल रहे हैं और साथ में फसल भी उगा रहे हैं तो उसमें भी, उस बड़े से खेत में भी मशीनों का यूज़ होना तो लाजमी ही है, तो यहाँ पर मशीनों का यूज़ भी होता है। साथ में अब ये जो आपका कमर्शियल फार्मिंग है, वाणिज्य खेती है, इसमें भी तीन तरीके की खेती और आती है, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मतलब कि वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि कमर्शियल फार्मिंग भी तीन तरीके की होती है। चलो अब इसको और पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मतलब कि वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, कौन कौन सी होगी, वाणिज्य अनाज कृषि। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम कमर्शियल फार्मिंग को ही पढ़ रहे हैं, तो इसका जो उद्देश्य है वो भी कमर्शियल पर्पस ही होगा, वाणिज्यिक उद्देश्य से ही उगाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर ग्रेन आ गया, मतलब अनाज आ गया, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अनाज ही उगाया जाएगा। अब अनाज में अगर हम बात करें तो कॉमनली वीट और मेज़, मतलब कि गेहूं और मक्का मुख्य रूप से उगाया जाता है, ठीक है, क्या उगाया जाता है इसमें, गेहूं और मक्का, ये बात होगी। अब ये जो खेती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वो टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब कि शीतोष्ण घास के मैदानों में करे जाते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्रेन है, गेहूं है, वो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो वह हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के टेम्परेट रीजन में ही उगाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के कौन से रीजन में, टेम्परेट रीजन में उगाया जाता है, जिसमें कि हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है, कौन कौन सा हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया, ठीक है, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है। चलिए अब है आगे देख लेते हैं। अब ये जो उगाया जाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया,
कि मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर कि जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, फैली फैली से जनसंख्या है, और जनसंख्या होने जब जनसंख्या ही कम है तो पर पर्सन के पास जो खेत होंगे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि बड़े बड़े फार्मों से युक्त हैं, सैकड़ों हेक्टेयर के यहाँ पर फार्म होते हैं, बहुत बड़े सोइयों हजारों हेक्टेयर के यहाँ पर फार्म होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर गेहूँ मक्का या फिर कोई भी जो ग्रेन है वो एक ही फार्म में उगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया ओनली सिंगल क्रॉप ग्रोन, कि केवल एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब कि पूरे के पूरे बड़े बड़े जो खेत हैं उसमें केवल एक ही फसल उगा रहे हैं, मतलब अगर गेहूं उगा रहे हैं तो पूरे के पूरे खेत में गेहूं ही उगाएंगे। ठीक है, पूरे बड़े खेत में क्या उगाएंगे, गेहूं ही उगाएंगे, उसी पर ध्यान देंगे, उसी के अंदर इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जाएगा जिससे कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा निकल कर आए, क्योंकि उनको मकसद क्या होता है, मार्केट में इसको बेचना और एक्सपोर्ट करना, ये उनका मकसद हो गया। फिर लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी आ जाता है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन पर है, टेम्परेट ग्रासलैंड में है, मतलब कि शीतोष्ण घास के मैदानों में ये खेती करी जाती है, तो एक यहाँ पर बाधा आती है। बाधा क्या आती है कि जब यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है, सर्दियाँ पड़ती हैं, सीवियर विंटर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हैं, तो इस टाइप का जो ग्रोइंग सीजन जो होता है वो बाधित हो जाता है, क्यों तो सर्दियों में तो नहीं उग पाएगा ना, सर्दियों में उसको कंडीशन एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अनुकूल जलवायु नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए ग्रोइंग सीजन बाधित हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है, मिश्रित खेती। अब देखो ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि मिश्रित खेती, मिश्रित खेती का मतलब, मिश्रित कृषि का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर खाना भी उगा रहे हैं, फूड भी उगा रहे हैं, भोजन के लिए खाना उगा रहे हैं, साथ में जो पशु हैं उनके चारे के लिए भी फसलें उगा रहे हैं, और साथ में पशुपालन भी करा जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये खेत है, तो इसको ऐसा करेंगे कि एक एरिया में क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अनाज वाली चीज़ें उगा दी। ठीक है, कौन सी चीज़ें उगा दी, एक मिनट को, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, एक खेत ले लिया, खेत लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने गेहूँ उगा दिया। ठीक है, गेहूँ उगा दिया, गेहूँ उगाने के बाद एक एरिया में यहाँ पर जो हमारे ये जो है हमारे जो पशु हैं एनिमल हैं उनके चारे के लिए यहाँ पर कुछ खेती कर दी। ठीक है, और साथ में कुछ एरिया में हमने यहाँ पर पशु पाल लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पशु पाल लिए, खेती कर ली, अनाज उगा लिया, कुछ भी उगा लिया, फल सब्जी कुछ भी उगा लिया, और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने पशु के चारे के लिए खेती कर ली, तो उसको हम बोलेंगे मिश्रित खेती, मतलब कि मिक्स फार्मिंग। ठीक है, एक और, लेकिन जो हमारी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग थी वहाँ पर हमने केवल एक ही क्रॉप उगाई थी, पूरे बड़े के बड़े मैदान में केवल एक ही फसल उगाई थी, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर फसल भी उगाई है, चारा भी उगाया है, साथ में पशुओं को भी पालन करा है। अब इस टाइप की जो खेती है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगी आपको यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में, मतलब कि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में इस टाइप की जो खेती है, मिक्स फार्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन, मतलब कि रोपण खेती। रोपण खेती क्या है, देखो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कमर्शियल फार्मिंग के ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग होगी। तो यहाँ पर ऐसी फसलें जैसे अगर जहाँ पर कि टी उगाई जा रही है, टी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर चाय उगा रहे हैं, कॉफ़ी उगा रहे हैं, काजू, शुगर केन, ठीक है, केला, रबड़, बनाना, कपास, ये इस टाइप की जो फसलें जहाँ उगाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। अगर आपके एग्ज़ाम में इनमें से किसी का भी नाम आता है, अगर कपास लेकर आ रहा है कि कपास एक प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब कि रोपण कृषि है, तो आप बोलोगे हाँ, जो कपास है, कॉटन है, वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब कि रोपण फसल है। तो ये जितनी भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, इन सभी को हम बोलते हैं रोपण कृषि। अगर कोई व्यक्ति, अगर टी, कॉफ़ी, शुगर के इनमें से किसी का भी
अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उनको उगा रहा है, तो वह एक तरीके की रोपण कृषि ही कर रहा है। अब यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की ज़रूरत है। देखो सिंपल सी बात है कि जब ये कमर्शियल वाणिज्य खेती है, कृषि है, तो यहाँ पर कैपिटल पूंजी की ज़रूरत तो होगी ही, साथ में लेबर भी होगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में बिकने के लिए लगा रहे हैं और बहुत बड़ा सा फार्म है, तो उसको संभालने के लिए एक इंसान या फिर जो फार्मर की जो बोले हैं कि किसान की जो फैमिली है, परिवार है, वो इतने बड़े फार्म को नहीं संभाल सकता, तो उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत भी लगेगी, उसको उगाने के लिए, काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए बाकी लोगों की ज़रूरत हमें लगेगी। फिर है प्रोड्यूस प्रोसेस ऑन फार्म और नियर बाय फैक्ट्री। यहाँ पर ये बोला है कि जो उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, या तो वो खेतों में हो जाता है या फिर निकट के कारखानों में हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानो कि यहाँ पर कमर्शियल तरीके से फसल उगाई गई, तो उसका जो हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, या तो वो खेत में ही कर लेंगे या फिर खेत के पास लगे कारखाने में जाके इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जैसे कि चाय हो गई, ठीक है, हम लोगों ने चाय उगाई, तो चाय की चाय पत्ती जो होगी वो उसके पास वाले कारखाने में ही होगी। ठीक है, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, इन सब की उनके सबकी जितनी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो खेत के पास ही लगाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है, अगर हम बात करें कि मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर ये बोला है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेजर प्लांटेशन है वो हमारे वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जैसे कि जो रबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें एग्जांपल इसके लिए, उदाहरण लें तो मलेशिया में रबड़ की खेती, मतलब कि मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती होती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी मतलब कि कहवा की खेती हो गई, इंडिया और श्रीलंका में देखें तो टी की मतलब कि चाय की हो रही है, शुगर केन की अगर बात करें तो मॉरिशस में हो रही है। तो इन सभी एग्जांपल से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो प्लांटेशन रोपण कृषि है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि प्रोसेसिंग जो होती है वो खेतों के पास या फिर उनके निकट में होती है। तो यहाँ पर जो आपकी प्लांटेशन जो रोपण कृषि है, ठीक है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, वहाँ पर आपके लिए ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है, मतलब कि जो परिवहन का जो जाल है वो अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स हम लोगों ने उगाई, जो रोपण फसलें जो उगाई हैं उनको ले जाने का जो काम करेगा उस कारखाने में, वो एक ट्रांसपोर्ट करेगा, रोड के द्वारा करेगा, ठीक है, रोड के द्वारा करेगा, मतलब ट्रक के द्वारा लेकर जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ से जब वो सेकेंडरी, देखो जो फैक्ट्री है वो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था कि वो एक सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, अब जहाँ पर खेतों में जो चाय उगाई गई वो आपकी प्राइमरी सेक्टर हो गया, फिर वहाँ से उसको लेके गया, लेके जाया गया ट्रकों में भरकर मार्केट में लेके गया, वो आपका टर्शरी सेक्टर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप कि हम लोग एग्रीकल्चर में, कृषि में मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। अगर हम मुख्य फसलों की बात करें तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन हम लोगों की जनसंख्या वैश्विक रूप पर देखें, वर्ल्ड रूप पर ग्लोबली देखें या फिर इंडिया में देखें, तो ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड क्या बढ़ेगी, खाना पीना ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, इंसान है, खाना पीना तो चाहिए ही होगा, तो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए ये जो मेजर क्रॉप्स हैं, जो मुख्य फसल हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। दूसरा और क्या काम है मेजर क्रॉप्स का, कि जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है, ठीक है, एग्रो बेस इंडस्ट्री मतलब कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए ये एक कच्चे माल का काम करती है, मतलब कि सप्लाई करती है रॉ मटेरियल। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अब एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि किसी खेत में आम उगाए गए, तो उन आम को अचार में बदल दिया या जैम में बदल दिया या किसी और चीज़ में बदल दिया, तो जिस फैक्ट्री में ये काम करा गया अचार बनाने का, जैम बनाने का आम का, तो वो आपका हो गया एग्रोबेस इंडस्ट्री।
जो कृषि से एक इंडस्ट्री उद्योग चल रहा है उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो मेजर क्रॉप्स जो होती हैं ये इन दोनों चीज़ों की आपूर्ति करती हैं। अब अगर हम बात करें मेजर क्रॉप्स की तो वो कौन कौन सी हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, वीट, राइस, चावल, मेज़ और मिलेट, ये सारी की सारी जो चार ऊपर की जो चार फसलें हैं ये खाद्य फसलें हैं, मतलब कि फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी खाद्य फसलें मतलब कि फूड क्रॉप जिनको कि हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। फिर है आपकी जूट मतलब कि पटसन, कॉटन मतलब कि कपास, ये है फाइबर क्रॉप मतलब कि रेशेदार फसल। ठीक है, आपको पता होगा कि जूट से जूट के बैग बनते हैं, बोरियां बनती हैं, कपास से क्या बन गया, सूती वस्त्र बनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। फिर है टी, चाय, कॉफ़ी, कहवा मतलब कि बीए हैं, बिवरेज क्रॉप्स मतलब कि पेयजल हैं। ठीक है, चाय सबने पी है, कॉफ़ी भी सबने पी है, तो ये होगी पेय फसलें हो गई, बिवरेज क्रॉप्स हो गई। तो ये मेजर क्रॉप्स हैं, इन सभी को, इन सभी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को एक एक करके हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे चावल मतलब कि हो गया राइस। अब ये जो चावल है अगर हम बात करें तो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मेजर फूड क्रॉप है ये, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ये चावल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो चावल है वो विश्व की एक मुख्य खाद्य फसल है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये एक स्टेपल डाइट है मतलब कि मुख्य आहार है। अब देखिए अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय एरिया होता है ये वाला, मान ली हमारी धरती है तो इसके बीच में ये जो एरिया आ रहा है ये सारा का सारा कहाँ पर आएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, इसी में हमारी इंडिया भी आता है भारत। तो यहाँ पर जिनका जो मुख्य आहार है वो चावल है। अब चावल को उगने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन जैसे कि चावल को उगने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर हाई चाहिए। ठीक है, साथ में मतलब कि उच्च तापमान चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए मतलब कि अधिक आर्द्रता भी चाहिए और वर्षा भी, उसको रेनफॉल भी अधिक चाहिए होती है। तो ये तीन कंडीशंस हैं चावल को उगने के लिए कि ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत मतलब कि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और साथ में हाई रेनफॉल, अगर यही तीनों चीज़ें होंगी तो ही चावल उगेगा, वरना चावल उगने में परेशानी आ सकती है। तो मेन चीज़ बेसिक ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है और साथ में अगर इसकी सॉइल की मृदा की बात करें कि किस टाइप की मृदा में, सॉइल में ये अच्छे से उगता है, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, तो वो सॉइल होती है एलुवियल क्लेई सॉइल मतलब कि चीका युक्त जलोढ़ मृदा। ठीक है, इस वाली मिट्टी में ये अच्छे से उगती है। चलिए अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे लीडिंग अग्रणी देश कौन है जो कि चावल के प्रोडक्शन में बहुत आगे है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पर जो देश है चावल को के उत्पादन में, प्रोडक्शन में, वो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर जापान, श्रीलंका, उसके बाद मिस्र मतलब कि इजिप्ट हो गया और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब कि जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है इनमें अगर बात करें तो साल में दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं, साल में चावल की दो से लेकर तीन फसलें तक उगाई जाती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं वीट पर मतलब कि चावल गेहूं पर चलते हैं। अब गेहूं क्या है, गेहूं को उगने के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए मतलब कि ना ज़्यादा ठंड चाहिए ना ही ज़्यादा गर्मी चाहिए, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब गेहूं उग रहा हो उसका वर्धन काल हो तो उसमें मध्य टेम्परेचर, तापमान और वर्षा चाहिए, लेकिन जब वो उसका काटने का समय आए, जब फसल कटाई का समय आए तो उस समय उसको तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस पढ़ ली, तो पहली कंडीशन वो है जब गेहूँ उग रहा है अपनी ग्रोथ में है तो उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो उसको मॉडरेट चाहिए और साथ में उसको रेनफॉल, जो वर्षा चाहिए वो भी मॉडरेट चाहिए, लेकिन जब गेहूं को काटा जा रहा है उस टाइम पर उसको तेज धूप चाहिए। ठीक है, मतलब कि सनशाइन उसकी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये दो कंडीशन होगी गेहूं के रूप में। अब गेहूं के लिए, अब गेहूं भी किसी न किसी मिट्टी में तो उगता ही होगा, तो उसको उगने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल,
वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल मतलब कि सुअपवाहित दोमट मृदा इसके लिए ज़रूरी होती है। अब ये कहाँ उगाया जाता है ज़्यादातर, ज़्यादा अगर इसकी बात करें तो ये है USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से इसको उगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर उगने के लिए गेहूं को बहुत अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं, तो ज़्यादातर ये गेहूं यहीं पर उगाया जाता है। और आपको याद भी होगा रशिया यूक्रेन के टाइम पर गेहूं का जो प्रोडक्शन था रशिया और यूक्रेन से कहीं ना कहीं रुक गया था, तो पूरे जो ग्लोबल रूप पर वैश्विक रूप पर वीट के एक्सपोर्ट पर खतरा मंडरा गया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि रूस और यूक्रेन में बहुत अच्छे से जो होती है वीट की प्रोडक्शन होती है। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो गेहूं उगाया जाता है वो शीत ऋतु मतलब कि विंटर के समय उगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें जुलाई में, जून में, मई में, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन गेहूं को क्या चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एक मध्यम तापमान चाहिए। तो इसीलिए इंडिया में जो गेहूं उगाया जाएगा वो कहीं ना कहीं शीत ऋतु के आसपास उगाया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं मिलेट पर। देखिए मिलेट को अगर हम दूसरा नाम बोलें तो उसको हम कोर्स ग्रेन या फिर मोटा अनाज भी बोलते हैं। ये वही मिलेट है जिसको कि हम लोगों ने श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जिसको कि 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट भी बनाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था। अब जो मिलेट होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पोषण इसमें भरा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। ठीक है, अब ये जो मिलेट है ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे भी उगाया जा सकता है, मतलब कि कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी ये आसानी से उग सकता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट है वो गर्म होता जा रहा है। ठीक है, और जो मिट्टी है वो उसकी उपजाऊ जो है फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो उनका जो रिकमेंडेशन है वो यही कहना है कि आप इतनी बढ़ती जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए मिलेट को उगाइए और मिलेट को बढ़ावा दीजिए। इसी को लेकर हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी बनाया था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन मिलेट को उगने के लिए चाहिए। इसको चाहिए लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर और एडिक्वेट रेनफॉल भी यहाँ पर चल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए, हाँ ठीक है कम रेनफॉल में भी ये चल जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा उच्च तापमान में भी उग सकता है, तो इसीलिए मिलेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके बात करें कि मिलेट में क्या क्या आता है, तो यह है ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, मतलब कि ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। अब ये जो आपका जो मिलेट है, जो मोटा अनाज है, वो अभी नहीं उग रहा, वो एंशेंट टाइम से उगाया जा रहा है। लेकिन अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोगों ने मिलेट को जो इम्पोर्टेंस देनी छोड़ दी थी, लेकिन अब इसको दोबारा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, दोबारा से इसको सामने अवेयर किया जा लोग अवेयर किया जा रहा है। और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो जैसे कि नाइजीरिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, नाइजर हो गया, इनमें भी मिलेट उगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मक्का के बारे में, मतलब कि मेज़ के बारे में। ये जो मक्का है, मेज़ है, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन की ज़रूरत होती है इसको उगने के लिए। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो भी मध्यम चाहिए, कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मध्यम टेम्परेचर चाहिए और वर्षा भी मध्यम ही चाहिए और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। और अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता है, मतलब कि सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और अगर ग्लोबल रूप पे देखें, वैश्विक रूप पे देखें, तो इसको नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में अच्छे रूप में उगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉटन। कॉटन मतलब हो गया कपास, ये वही कपास है जिससे कि सूती वस्त्र मतलब कि कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और
210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। इसको उगने के लिए क्या चाहिए, एक उच्च तापमान, हल्की वर्षा, वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए, और 200 या फिर 200 से 10 दिन पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रेनफॉल जो है वो लाइट मांगी है, और 210 दिन ऐसे चाहिए जिसमें कि पाला ना रहे, मतलब कि कड़कती सर्दी यहाँ पर नहीं चाहिए होती, स्पेशली 210 दिन के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और साथ में ब्राइट सनशाइन मतलब कि चमकीली धूप चाहिए, ठीक है। ये उसकी ये हो गया उसकी कंडीशन। अब ये जो कपास है उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, तो सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी रहेगी, ब्लैक सॉइल मतलब कि काली मिट्टी, या फिर एलिबल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छे से उग जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल ये वही सॉइल है जो कि आपके इग्नियस रॉक से बनती है, इसके बारे में भी हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो वीडियोज़ है उनमें आपको पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर है इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, पूरे वैश्विक रूप में अग्रणी उत्पादक की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो चाइना उगा रहा है, ठीक है। तो चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट की बात करें तो ये अग्रणी उत्पादक, इनमें चाइना, ये सारे के सारे अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। अब जो सूती वस्त्र के उद्योग में कॉटन एक रॉ मटेरियल का काम करता है। फिर है जूट, पटसन मतलब कि जूट हो गया। अब इसको जूट को एक और नाम से जाना जाता है, जूट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गोल्डन फाइबर मतलब कि सुनहरा रेशा। अगर आपके एग्ज़ाम में गोल्डन फाइबर कर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं जूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किस में उगता है, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो एक जलोढ़ मृदा चाहिए मतलब कि एलिवल सॉइल चाहिए, और इसमें हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसको अच्छे से विकसित होने के लिए जो तापमान उच्च चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता इसमें होती है कि टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए उगने के लिए, ठीक है। अब फिर है ये जो क्रॉप है ये भी ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे से उगाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगती है। और अगर लीडिंग प्रोड्यूसर अग्रणी उत्पादक की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में ये उगती है जूट की फसल, ठीक है। आपको पता भी होगा कि इंडिया में बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे से इसका उत्पादन होता है। चलिए अब है कॉफ़ी, अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में क्या है, कॉफ़ी ये वही है जो सबने पी है, ठीक है ना। तो कॉफ़ी जो है इसमें इसको उगने के लिए वार्म वेट क्लाइमेट और वेल रेन लूमी सॉइल चाहिए, मतलब क्या है कि इसमें उसको गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु में नहीं उगेगी कॉफ़ी कभी भी, ठीक है। साथ में उसको क्या चाहिए, सुअपवाहित दोमट मृदा, ड्रेन्ड लूमी सॉइल की आवश्यकता होती है, ठीक है। हिल स्लॉप्स आर मोर सूटेबल मतलब कि जो पर्वतीय ढाल है, अगर इसको पर्वतीय ढालों पे उगाया जाए तो ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कॉफ़ी के लिए। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, कोलंबिया, उसके बाद है इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉफ़ी पढ़ लिया, तो कॉफ़ी हमने क्या पढ़ ला कि वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए और लूमी सॉइल चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टी मतलब कि जो चाय है, ठीक है। चाय में क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रूआउट द ईयर फॉर द ग्रोथ टू इट्स स्लेंडर लीव्स मतलब कि कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, ठीक है। देखो कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए था, कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, लेकिन चाय के लिए यहाँ पर ठंडी जलवायु चाहिए और पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूटेड समवितरित उच्च वर्षा इसको चाहिए होती है, रेनफॉल हाई चाहिए जो कि पूरे वर्ष होती रहे। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये चाय के लिए इस टाइम के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है, तो इसको लिख लीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ सारे सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर पाएँ। उसके बाद अगर हम इसको मिट्टी की बात करें तो इसमें वेल ड्रेन लूमी सॉइल और जेंटल स्लोप की इसको आवश्यकता होती है। अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें, हम भारत में बात करें, तो ज़्यादातर जो टी होती है उसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो असम के क्षेत्रों में हिली एरियाज़ में करा जाता है, क्योंकि जो असम के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको कूल क्लाइमेट मिल जाता है, मतलब कि उसको एक ठंडी जलवायु प्राप्त हो जाती है। साथ में जो रेनफॉल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल मिलती है, हाई रेनफॉल मिलती है, और जो स्लोप जहां
जहाँ पहाड़ों पर ही उगाया जाता है वो इस तरीके के जेंटल स्लोप्स होते हैं, ठीक है। तो जो पानी जो भी आता है वो टिकता नहीं है, बस इतना ही पानी चाहिए होता है उनको, लेने के बाद ये पानी आसानी से रिस जाता है, इसलिए जेंटल स्लोप की बात चाय के मैदानों में करी जाती है। उसके बाद है लेबर इन लार्ज नंबर रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अब ये देखिए चाय के बागान हैं, ठीक है, चाय के बागान में वहाँ पर कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है, तो उनको तोड़ने के लिए मशीन तो तोड़ेगी नहीं, ना ही रोबोट तोड़ेगा, तो उनको तोड़ने के लिए वहाँ पर लेबर कि जो श्रम है, श्रमिकों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो लार्ज नंबर पर जो लेबर होती हैं वो वुमेन होती हैं, ठीक है, वुमेन को यहाँ पर बहुत सारा काम मिल जाता है, तो यहाँ पर लार्ज लेबर हो गया। साथ में अगर हम बेस्ट क्वालिटी टी की बात करें कि बहुत ही अच्छे सर्वोत्तम क्वालिटी की जो चाय है वो कहाँ मिलेगी, केन्या में मिलती है, इंडिया में, चाइना में और श्रीलंका में मिल जाती है। तो हमने यहाँ तक अब तक क्या पढ़ लिया, मुख्य फसल पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, कृषि का विकास की, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो ज़रूरी क्यों होता है। भैया देखो समय के साथ साथ 21वीं सदी है, हर कोई बढ़ रहा है, चाहे वो देश हो, क्षेत्र हो, रीजन हो, इंसान हो, हर कोई बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने किसानों को और अपनी कृषि को अभी विकास करें, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। साथ में जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन या फिर जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं यही डिमांड बोलती है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में विकास की आवश्यकता है, क्योंकि जब कृषि में विकास होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे ही जो कृषि का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बढ़ेगा, मतलब कि लार्ज अमाउंट में ग्रेन का उत्पादन होगा जो कि इस बढ़ती जनसंख्या की जो डिमांड है खाने की वो आपूर्ति कर पाएगी, कंप्लीट कर पाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि किस कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीकों से हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो गया, इंक्रीज़ द क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि जहाँ पर आप फसल उगाते हो, कृषि करते हो, उस एरिया को ही बढ़ा दो। मतलब ये समझ लो कि पहले मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि पहले 100 एकड़ में फसल हो रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, अब क्या करें कि उस 100 एकड़ से 1000 क्विंटल समान खाना निकल रहा था, लेकिन साथ में जनसंख्या भी बढ़ गई, तो अब क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट करके, कृषि में विकास करके उस एरिया को ही बढ़ा देंगे, 100 की जगह अब 500 एकड़ में फसल करो, जिससे कि क्या हो, जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाए, और 1000 की जगह तो वो 2000-2500 तक क्विंटल तक हमें ये प्रोडक्शन दे सके, जो कि बढ़ती जनसंख्या के रूप में उसको स्टेबल कर सके। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया कि इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, मतलब कि सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके, कि इरीगेशन सिंचाई की सुविधाओं में, कि किसी भी गाँव जो हमारा खेत है उसमें पानी पहुंचाओ अच्छे तरीके से, मतलब कि कैनाल बनाओ, मतलब कि नहरों से पानी पहुंचाओ, दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज़ करो, जैसे कि अब फिलहाल अभी आपका ड्रिप इरीगेशन बहुत ही चर्चाओं में रहा है, कि ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन, इन सभी अलग अलग मेथड को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इरीगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि फसल और अच्छे से होगी और हमारी जो पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सके। फिर है यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यहाँ पर मतलब है कि उर्वरकों का यूज़ करा जाए, ठीक है, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करा जाए, ठीक है, ये भी इसीलिए है, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसकी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन में, मतलब कि हरित क्रांति में इनका यूज़ भी करा गया था, फर्टिलाइज़र जिससे कि जो फसल है वो अच्छे से हो गए, ठीक है, उस पर कीड़ा ना लगे, वो अति हेल्दी हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि का मशीनीकरण कर लिया जाए, ठीक है, इसको मैन्युअली तरीके से ना करा जाए, जिससे कि जल्दी ही प्रोडक्शन हमें मिल जाए। उसके बाद अल्टीमेट एम टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर ये बोला है कि इन सभी एग्रीकल्चर में, कृषि में विकास का जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है, जो एम है, वो है फूड सिक्योरिटी। अब ये देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग उन सभी को हर समय, ठीक है, हर टाइम पर, सभी को हर टाइम पर सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस, सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस हो, मतलब जीने के लिए आहार की आवश्यकता प्राथमिक हर समय पर्याप्त होगा, पर्याप्त हो,
सुरक्षित हो और पौष्टिक खाद्य पदार्थ सभी को उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को खाना उपलब्ध है लेकिन कुछ को नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में सबको पेट भरने के साथ साथ उनको एक पौष्टिक आहार भी मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी, खाद्य की सुरक्षा, कि खाने के लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा है। तो फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि में विकास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है कि एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर एग्रीकल्चर को एक डेवलपिंग और एक डेवलप कंट्री में कंपैरिजन करा गया था। यहाँ पर एक फार्म लिया है, ठीक है, यहाँ पर एक फार्म लिया है भारत का, ठीक है, भारत का किसान लिया है, एक किसान लिया है भारत का, एक दूसरा किसान लिया है अमेरिका का। तो भारत के किसान में क्या बोला है कि एक किसान है जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वह एक छोटा फार्म है, ठीक है, फार्मर है, छोटा फार्मर मतलब कि छोटा किसान है वो, ठीक है, छोटा किसान है जिसके पास केवल 1.5 हेक्टर तक की ज़मीन है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को क्या करता है, वो खरीदता है, ठीक है, हाई यील्डिंग वैराइटी सीड्स को वो खरीदता है, लेकिन अल्टरनेट ईयर्स में खरीदता है कि एक साल के बाद ऐसे ये खरीदता है। साथ में नॉर्मल अगर बात करें तो वो ज़्यादातर केवल क्या उगाता है, चावल, गेहूं और दालें उगाता है, राइस, वीट और पल्सिस वो उगाता है। उसके बाद अपनी एडवाइस जो लेता है, जो सलाह वो जो ले रहा है, या तो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने बड़ों से ले लेता है, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, चूँकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी कुछ एडवाइस ये ले लेता है, ये हो गया। साथ में जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो एक परंपरागत विधि में यूज़ कर रहा है, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड्स को वो यूज़ कर रहा है। जैसे कि कैसे यूज़ कर रहा है, जैसे कि वो खेतों को वो जोत रहा है ना, तो वो बैलों का यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो बैलों का यूज़ कर रहा है खेतों को जोतने के लिए। साथ में इरिगेशन के लिए वो नलकूपों का यूज़ कर रहा है, जैसे कि ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रहा है। अब ये जो ट्यूबवेल्स जो हैं वो उसके खुद के नहीं हैं, बल्कि वो भी इरिगेशन के लिए एक किराए पर लाए गए हैं। अब इस वाले जो किसान के पास क्या है, ज़्यादा 2 भैंसे हैं, ठीक है, 2 बफेलो हो गई और कुछ मुर्गियाँ हो गई। अब इन भैंसों का जो मिल्क है वो कोऑपरेटिव में बेच देता है, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टोर्स में बेच देता है, ये बात कर ली। साथ में और कुछ सलाह भी ऐसे जो कोऑपरेटिव के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे सलाह भी ले लेता है। और इसकी फैमिली के जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर हम बोलें लगभग सभी लोग जो हैं इसका इस खेती में हेल्प करते हैं, पूरे फैमिली के जो लोग हैं वो खेती में ही लगे हुए हैं। और जब भी इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से पैसे लेता है या फिर एग्रीकल्चर के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ से पैसा लेता है, उन पैसों से वो हाई यील्डिंग वैराइटी सीड्स को खरीद लेता है। अब जैसे प्रोडक्शन जो होता है इन सभी चीज़ों के बाद, जो भी उसका उत्पादन हुआ है, जैसे बहुत सारा गेहूं आ गया, चावल आ गया, उसको पास की जो मंडी है वहाँ पर जाकर ये बेच देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पास कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो इसको एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये फोर्स्ड इसको होता है कि जब स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है, माने उसने टमाटर को उगाया, उसके पास स्टोर करने के जगह ही नहीं है, फ्रिज ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसको फोर्सेबली किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं इसको जल्दी ही इस टमाटर को बेचना पड़ेगा, चाहे उसको उस दाम को मिले चाहे ना मिले। तो ये कंडीशन थी इंडिया के एक किसान की। अब दूसरी कंडीशन है अमेरिका के इस किसान की। अगर अमेरिका की मैं बात करें तो उनका जो एवरेज साइज़ जो होता है फार्म का, ठीक है, एक औसत आकार जो होता है फार्म का, वो भारत के फार्म से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में लेके तो मानो लगभग किसी किसान का हुआ 250 हेक्टर। अब देखो इंडिया में कितना था, 1.5 हेक्टर और 250 हेक्टर, कितना बड़ा अंतर है इसके अंदर, ठीक है। जनरली बात करें तो ये लोग ज़्यादातर क्या उगाते हैं, मक्का उगा लिया, सोयाबीन उगा लिया, चावल उगा, वीट उगा लिया, कॉटन, कपास, शुगर बीट, ये सारा का सारा ये लोग उगाते हैं। और
और ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी जो मिट्टी है, ठीक है, उनकी जो सॉइल है या फिर जो उनके वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो उनकी सॉइल है या फिर उनकी जो मिट्टी है उसको जाँचने के लिए, उनको उनकी जाँच के लिए उनके जो सैंपल हैं वो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में ये लोग भेजते हैं। अब वहाँ से ये पता पड़ता है कि इनकी जो मिट्टी है उसमें कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसी के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र भी उतने ही रूप में, उसी रेशो में ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालते हैं। तो ये देखा टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देशों में कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है साथ में, ठीक है। और तो हमने देखा कि जो फर्टिलाइज़र एक साइंटिफिक तरीके से डाले जा रहे हैं यहाँ पर, जो उर्वरक हैं वो साइंटिफिक तरीके से डाले जा रहे हैं। और जो किसान का जो कंप्यूटर है, किसान का जो कंप्यूटर है वो ऊपर लगे एक सैटेलाइट से जुड़ा होता है, ठीक है, उसका। अब वो सैटेलाइट जो होता है इस किसान के जो खेतों में कौन से उर्वरक की ज़रूरत है वो भी उसको इस सैटेलाइट से पता पड़ जाता है। अब इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ऑप्टिमम तरीके का ये फर्टिलाइज़र इस खेत में डालेगा जिससे कि खेत में उर्वरकता भी बनी रहेगी, फर्टिलाइज़र मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी और जो फसल के जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद अब इसमें क्या बताया उसने, सैटेलाइट ये बता दिया कि कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, साथ में कौन से पेस्टिसाइड यहाँ पर छिड़कने हैं, ठीक है, कौन से पेस्टिसाइड छिड़कने हैं। अब यहाँ पर यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या फिर ये समझ लो एक तरीके की हम बात करते हैं बिजनेसमैन के रूप में ही होते हैं, जिसके 250 हेक्टर का जिसका खेत होगा तो वो बिजनेसमैन से कम थोड़ी ना होगा। सोचो 250 हेक्टर कितना बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं अपने ही ज़्यादातर बोलें तो अपने ही फार्म में ही रहते हैं, अपने घर बनाकर वहीं पर रहते हैं। अब ये लोग हैं बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी मशीनें हो गई, जैसे हो गया सीड ड्रिल्स हो गया, लेबरल हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, ये सारी सारी मशीनों का यूज़ करते हैं। अब जो ग्रेन, अब यहाँ से जो भी ग्रेन आया, जैसे वीट आया, मतलब चावल आया, गेहूं आया, उसको ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, और यहाँ पर स्टोरेज की भी इनको फैसिलिटी प्रदान करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अब देखिए ये है किसान भारत का और ये है किसान अमेरिका का। डेवलपिंग और डेवलप जो देश हैं उनमें बहुत ज़मीन अंतर का आसमान का ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में एक आपको केस स्टडी दे रखी थी जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एग्रीकल्चर कृषि ख़त्म होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं, बेझिझक बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उनको भी पता पड़े कि एनसीईआरटी यहाँ पर डिटेल में बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझाई जा रही है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग।